नमस्कार दोस्तों, मैंने एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया या फिर इसी पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करा के मैंने रिप्रिंट मंगाया और मेरा जो पैन कार्ड है रेडी हो के मेरे घर के एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया गया है। लेकिन फाइनली मेरे एड्रेस पर ये पैन कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुआ, बल्कि मेरा पैन कार्ड रिटर्न चला गया है। और इस प्रकार से अगर आपके साथ में होता है, आपका पैन कार्ड रिटर्न चला जाता है, तो इसको दोबारा से कैसे आप मंगा सकते हो, इसकी कितनी फीसिस रहेगी और क्या प्रोसेस रहेगा, तो आज मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी के टाइम में एक न्यू पैन कार्ड के लिए फ्रेश अप्लाई किया है या फिर आपने आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपने कुछ करेक्शन कराया है या फिर ₹50 पेमेंट करके इसको एज ए विदाउट कोई करेक्शन रिप्रिंट किया है, तो इन तीन प्रकार के पैन कार्ड में आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर फ्रेश पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 25 से 30 दिनों का अभी के टाइम में लग सकता है। और अगर आपने करेक्शन कराया है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरिफिकेशन हो गए हैं सक्सेसफुल, तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम लगे, हो सकता है कि 15 दिन में आ जाए। और अगर आपने ₹50 पेमेंट करके एज ए रिप्रिंट कराया है तो आपको यहाँ पर 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका पैन कार्ड किसी भी हाल में यहाँ पर भेजा जाता है आपके घर के एड्रेस पर फिजिकली, और आपको वहाँ पर रिसीव नहीं होता है और आपका जो पैन कार्ड है रिटर्न चला जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड आपको रिसीव नहीं होता है और रिटर्न चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक से वो लोग आपका जो पैन कार्ड है उसी घर के एड्रेस पर दोबारा से ऑटोमेटिक भेज देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा पैन कार्ड आया था और रिटर्न हो गया है, मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें दोबारा से इसको अप्लाई करूँ या फिर रिप्रिंट करूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर वो लोग ऑटोमेटिक से उसी एड्रेस पर भेज देते हैं और आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते रहना है। अगर आपको पैन कार्ड की ज़्यादा ही ज़रूरी है, ज़्यादा ही इमरजेंसी है, तो आप इसके कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हो कि मेरा पैन कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, रिटर्न चला गया है, तो आप फटाफट से रीसेंट कर दीजिए उसी एड्रेस पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग फटाफट से अगर आपको इमरजेंसी रहती है तो रीसेंट कर देते हैं सेम एड्रेस पर। तो दोस्तों, अगर आपका भी पैन कार्ड फर्स्ट टाइम स्पीड पोस्ट से भेजा गया है और इसके थ्रू आपको रिसीव नहीं हुआ है, रिटर्न हो गया है, तो वो लोग क्या करता है कि दोबारा से जब ऑटोमेटिक से वो लोग भेजेंगे तो यहाँ पर वो लोग कोई प्राइवेट कोरियर कंपनी उसके थ्रू भेजेंगे। और अगर आपको फर्स्ट टाइम में कोरियर कंपनी के थ्रू यहाँ पर भेजा जाता है और इसके थ्रू आपको पैन कार्ड रिसीव नहीं होता है, तब वो लोग क्या करता है कि स्पीड पोस्ट से भेजता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो लोग दोनों टाइम में चेंजेस करता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी आपका पैन कार्ड बनाती है वो यहाँ पर डिलीवरी चेंज कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो दोनों तरीके से यहाँ पर आपको चेक करती है सेम एड्रेस पर कि पहले मैंने इंडिया पोस्टल की उससे भेजा था तो वहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, और अब मैं यहाँ पर प्राइवेट कुरियर कंपनी के थ्रू भेज रहा हूँ तो इससे रिसीव हो जाएगा 100%। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देना हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बता देना कि आपका जो भी पैन कार्ड है वो इंडिया पोस्ट की साइट से आया है या फिर कुरियर कंपनी के थ्रू आया है। तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो भी पैन कार्ड है वो 100 में 90% जो प्राइवेट कुरियर कंपनी है उसके थ्रू आता है, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट की साइट से होता है यहाँ पर जो आता है तो जो पोस्टमैन होता है वो आपके घर के एड्रेस पर तो आता है, लेकिन एक चक्कर मार के और नहीं मिलता एड्रेस तो वो रिटर्न कर देता है। लेकिन जो कुरियर कंपनी होती है वो ऐसी नहीं करती है, इसका जो भी डिलीवरी बॉय होता है वो आपको एक बार कॉल तो कर ही लेता है अगर उसको एड्रेस नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कुरियर कंपनी बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इससे अगर भेजता है तो एक ही बार में हमको रिसीव हो जाता है और रिटर्न जाने का तो चांस ही नहीं है। और अगर जो पोस्टल से आता है तो इस पे तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा इसकी सर्विसेज के बारे में कि एक बार हमको देने आते हैं और अगर हम किसी भी कारणवश बिजी रहते हैं, नहीं मिलते हैं, तो ये लोग रिटर्न कर देता है। बस इनको तो क्या है, रिटर्न करने से मतलब है, कोई टेंशन नहीं है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन जरूर मुझे लिख के पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बात और बता देना कि आपका जो पैन कार्ड है आप देख लीजिए किसके थ्रू आया था, कुरियर कंपनी के थ्रू आया था या फिर जो पोस्टल है उसके थ्रू आया था, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना ताकि मुझे पता तो चले।